वहीं 26 फरवरी को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होने हैं और इसको लेकर भी सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने अपनी जीत निश्चित बताते हुए कहा कि मौजूदा कमेटी ने कई शिक्षण संस्थाओं को बंद किया। साथ ही सरना ने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने सिर्फ लोगों को नशा परोसा। सरना के मुताबिक पंजाब से शिरोमणि अकाली दल का सफाया तय है। इस वेले मेरे नाल परमजीत सिंह सरना ने और लगातार दावा कर रहे ने केड़े मुद्दे ते इस बार चोन लड़न गए, क्योंकि 26 तरीक नू जो है चोणा होनिया ने, इन्हां नाल चर्चा करदे आं। 15 साल जो है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तुहाडा गढ़ रहा, लेकिन पिछलियां चोणां जो है उह गढ़ बुरी तरीके नाल टुट्टिया। इस बार केड़े दावियां दे नाल केड़े मुद्दे दे नाल तुसीं मैदान च उतर रहे हो? देखो जी, गल हैगी कि पहले तां जिहड़ा असीं संगत दे कोल जाणा है, भाई पिछली बार जड़ा इन्होंने साढ़े ते एलीगेशन लगाए सन 350 करोड़ का अस्पताल वेचता, बंगला साहब की कार पार्किंग वेच दिती, अकाल तख्त के हुक्म की उलंघना कीतियां, ये सारे पहले तो इन्होंने जड़े इन्होंने झूठ कुफर बुलवाए जथेदारा पासों, संतां महापुरखों पासों। पर मैं इस अकाल पुरख की बड़ी रहमत है कि जिन्हें एलीगेशन इन्होंने लगाए सन वो सारे एलीगेशन जड़े उन्होंने पेंदी नोक जिन्हें साबित नहीं कर सके, जिहदा साफ मतलब है कि उन्होंने मैनू एक क्लीन चिट दिती है मेरे 15 साल जो मैं सेवा उस कालपुर के हुक्म नाल कीती है। मौजूदा कमेटी कह रही है कि उन्होंने बहुत सारे काम कराए है, बहुत सारे कार्यक्रम करवाए है। कार्यक्रम कराए ने ना, बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस 300 रोज़ा मनाया ने, 125 करोड़ रुपया खर्चा ने, तो 125 करोड़ 25 लाख का खर्चा भी नहीं है। ए मेरे सामने इन्होंने प्रोग्राम कराया सी 15 लाख की स्टेज, 8 लाख रुपया देता ने, किट्टी हुई बिट्टी आई सी गाने वाली, ए मेरे सामने बिल्कुल। ये सारे इल्जाम तुहाडे वल्लों लग रहे? मेरे इल्जाम नहीं है, ये जेड़ा उन्होंने खर्चा किया सी उस खर्चे की जेड़ी उन्होंने दिती सी और लिस्ट सारा मेरे को फोटो कापी आई सी, मैं उत्थे लाके प्रेस नूं दिती सी। तुसीं कहा जी मैं 12 स्कूल बनावांगे, 4 कॉलेज खोलांगे, असीं ये करांगे वो करांगे, कित्थे गए? उल्टा जेड़े कॉलेज चल रहे सन वो बंद करते गए। दूसरे पासे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बिद भी हो रही है, गुरु ग्रंथ साहब चोरी कर ले जाते हैं, अगले इश्तहार कटते हैं अजी थोड़ा गुरु चोरी कर लिया है, थोड़े च मैं लग लो ये पंथक सरकार सी। दिल्ली दी सिख संगतां दे विच तुसी लेके जाओ? क्यों नहीं, जे राजनीतिक कारणा करके उत्थे मुद्दे पंजाब च उठे तो इन्हों का सफाया है, अनाउंस होना ही बाकी है ना, है तो सफाया ना। दिल्ली की सिख, दिल्ली की जनता तुहानू मौका दिंदी है, पहल के आधार पर कम रहेंगे? साडी पहल के आधार पर सब तो पहला तो देखो जी, जिहड़ा निजाम खराब किया इन्होंने वो सारा वापस आवांगे, जेडे कॉलेज बंद हो उन्होंने खुलवा के शुरू करावांगे, एंड जे गुरु ने सेवा दिती ए अप्रैल दे महीने सारे काम होणगे। कई सारे इल्जाम, कई सारे दावे, कई सारे वादे जो ने वो दिल्ली दी सिख संगतां नाल किते जा रहे हैं। 26 फरवरी नूं चोणां होणियां, फैसला दिल्ली दी सिख संगत ने करना है। पंकज कपाही, जी मीडिया।